इसमें दो कैमरे आ रहे हैं, पहला है ट्रैकिंग कैमरा, दूसरा है यहाँ पे पैनारोमा कैमरा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रैकिंग कैमरे की, जैसे मैं ट्रैकिंग कैमरे पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे नीचे PTZ खुल के आ जाता है। PTZ के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कैसे काम कर रहा है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट एकदम स्टिल्ट है, ऊपर वाला मूव कर सकता है, हम अपने अकॉर्डिंगली मूव करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूँ एक नई दिन की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ स्पेशली बात करेंगे ड्यूल लेंस कैमरास के बारे में कि ड्यूल लेंस कैमरा कैसा होता है। वाईफाई के अंदर आने वाले बहुत सारे ऐसे ब्रांड है जिसके अंदर ड्यूल लेंस कैमरा में यहाँ देखने को मिलता है। आज मैं उन्हीं के बीच में से एक कैमरा लेके आया हूँ जो कि ड्यूल लेंस का कैमरा है। आप एक ही कैमरे के अंदर दो लेंस यहाँ पे देखेंगे, एक कलर नाइट विजन कैमरा है, डे भी कलर है, नाइट भी कलर है। मैं आपको टोटल डिटेल देने वाला हूँ इसका, इंस्टॉलेशन, डे विजन क्लियरिटी, नाइट विजन क्लियरिटी। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये कैमरा कैसा दिखने में कैसा लगता है। मतलब मैं अपने चैनल पे पहली बार कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सी, मतलब आप फ्रंट में ही इसके कैमरे को देखेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसके अंदर दो कैमरे कैसे हो सकते हैं, कि नीचे आपको कैमरा दिख रहा होगा, एक ही आपको ऊपर कैमरा दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ तो इसकी सेम शेप है जैसे हमारे ओल्ड कैमरास की होती थी। अगर मैं बॉस के कंटेंट की बात करता हूँ तो एक हमें ये कैमरा देखने को मिल जाता है, एक इसका ऑर्डिनरी अडोप्टर देखने को मिल जाता है जो हर एक कैमरा के अंदर, एक हमें यहाँ पे केबल देखने को मिल जाती है, एक ये इसका बड़ा यूनिक सा यहाँ स्टैंड हमें देखने को मिल जाता है। ये यूनिक सा स्टैंड हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। मैं फटाफट से इसको थोड़ा साइड करता हूँ और चलते हैं बात करते हैं हमारे इस कैमरे के बारे में। इसमें दोनों के दोनों ही हमारा कलर नाइट विजन कैमरा है। नीचे भी हमें एक LED लाइट देखने को मिल जाती है, ऊपर भी एक सिंगल लाइट देखने को मिल जाती है। पैन टिल्ट काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, मतलब ओवरऑल अगर मैं इसकी बॉडी की बात करता हूँ काफ़ी अच्छी है। इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है मुझे काफ़ी बेहतरीन लग रही है, काफ़ी बेटर लग रही है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ इसमें मेमोरी कार्ड की, हमें एक स्लॉट मिल जाता है मेमोरी कार्ड डालने का, 128 GB तक हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। पैन टिल्ट है, वॉइस के साथ आता है। अलार्म के जो फीचर्स हैं वो सारे बेसिक फीचर हमें नॉर्मली कैमरास के अंदर बहुत बारी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, तो सारे फीचर्स हमें इसके अंदर देखने को भी मिल जाते हैं। तो अगर मैं कुछ अलग इसमें बात करता हूँ तो इसके अंदर जो मुझे सबसे अलग लगा वो लगा इसका ड्यूल लेंस का फीचर। ये फीचर हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, सपोज़ करते हैं जो हमारा जो कैमरा होता था ये स्टिल्ट होता था, अगर ये इधर दिखा रहा है तो इधर का एरिया ब्लैंक होगा और अगर ये इधर दिखा रहा है तो बैक का एरिया ये ब्लैंक होगा। बट हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर सपोज़ हमें देखते हैं कि हमारे गेट जो हमारा मेन एंट्रेंस एरिया होता है, बहुत बार कस्टमर बोलता है सर मेन एंट्रेंस एरिया में कोई भी आ गया, कोई भी चला गया, पर कैमरे ने कुछ कैप्चर ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कैप्चर स्टेयर केस की तरफ था या कैमरा अंदर की तरफ था। तो उन्हीं सारी कंप्लेंट्स को देखते हुए ये एक ब्रांड है, उसने यहाँ कैमरा लॉन्च किया। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। OEM ब्रांड है, आप दिल्ली बेस्ड ब्रांड है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए लेके आया हूँ, आप इसमें देखिएगा, आपको मुझे क्लियरिटी बताइएगा कि ओवरऑल ये कैमरा कैसा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। मैं एंड में इसका प्राइस भी आपको डिस्क्लोज करूंगा, क्या वो प्राइस इसको जस्टिफाई कर रहा है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ डिटेल थी, तो चलिए फटाफट से इस कैमरे को ऑन करके देखते हैं और इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ जो केबल है उसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ, इसके अडोप्टर को यहाँ लगा देते हैं। केबल मतलब बहुत ज़्यादा छोटी लगी मुझे, सीरियसली बहुत ज़्यादा छोटी है। इसको फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूँ CP हिकविजन में, मतलब ये 1 मीटर भी नहीं है पूरी, मतलब उससे भी कम है। तो फटाफट से इसको मैं यहाँ पे प्लग कर देता हूँ। दोस्तों फटाफट से चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अपना जो प्ले स्टोर है वो हम लोग यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है दोस्तों OCam Pro, आप डालेंगे यहाँ पे OCam Pro, इसकी एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल हो गई है, मैं फटाफट से इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस हिसाब से हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लॉगिन का डिस्प्ले। हम यहाँ फटाफट से ईमेल आईडी से वेरीफाई कर लेते हैं इसको, हम फटाफट से अपनी मेल आईडी डाल के यहाँ लॉगिन कर लेंगे। एक OTP गया है, हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर एक OTP गया है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे को ये वेरीफिकेशन कोड भी आ गया है, वो है 4041। ये कोड हमें यहाँ देखने को मिला है, इससे मैंने फटाफट से यहाँ लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद ओवरऑल हमें कुछ इस हिसाब से डिस्प्ले देखने को मिला है। इसको फटाफट हम ऐड पे जाएंगे, QR कोड आपको यहाँ बैक साइड में मिल जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से इसको यहाँ स्कैन कर सकते हैं।
Please turn on the power switch of the device. Press and hold the reset button on the device for about 5 seconds. मतलब इसका इंस्टॉलेशन इतना ज्यादा इजी है, अभी मतलब कैमरा ही बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इसका जो रीसेट है वो आपको रीसेट करना पड़ेगा। मैं इसको फटाफट से यहाँ रीसेट कर दिया है। रीसेट करने के बाद आई हैड अ प्रमोट टोन एंड सीन द इंडिकेट लाइट। अभी ये फटाफट से जैसे मैंने इसको रीसेट किया है, थोड़े से टाइम के बाद ही यहाँ पे आपको इंडिकेशन इसका लाइट यहाँ देखने को मिलेगा। एंड इसको हम लोग फटाफट से अपने वाईफाई है उसके साथ हम लोग यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। मैं फटाफट से यहाँ अपना वाईफाई का पासवर्ड डालता हूँ एंड कन्फर्म। एंड ये इसका स्कैन कोड है, हम फटाफट से इसका ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे इसका नेम वगैरह डालना पड़ेगा। अभी जैसे मैं टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक टेस्ट नेम यहाँ पे डाल देता हूँ एंड कुछ भी इसको गैराज करके हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े से टाइम के अंदर, विद इन अ मिनट्स के अंदर आपको यहाँ कैमरा बाइंड हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके फ़ोन के ऊपर ये ऐड हो जाएगा दोस्तों। हम फटाफट से बस 2 मिनट का वेट करेंगे और ये कैमरा आप देखेंगे कि ये ऐड हो चुका है। आप देखेंगे कि इसके अंदर ऐड हो चुका है। इसको हम फटाफट से इसका जो नेक्स्ट 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 करके आप देखेंगे यहाँ पे कैमरा हमारा ऑन हो चुका है दोस्तों। ये कैमरा आप जो देख रहे हैं इस टाइम मेरी डिस्प्ले के ऊपर ऑन हो चुका है। अब हम जानते हैं इसके एक एक फीचर्स, एक एक डिटेल्स कि ओवरऑल कैसा है, इसका क्लियरिटी कैसा है। सो दोस्तों अभी आप जो फाइनली देख रहे हैं वो इसका एक डे विजन का क्लियरिटी देख रहे हैं। ये एक इंडोर कैमरा है। आप देखेंगे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर 2 कैमराज आ रहे हैं, एक स्टिल्ट कैमरा है, एक नॉर्मल कैमरा है। एप्लीकेशन की बात करता हूँ, अभी तक आपने सीखा कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हमारा कैमरा यहाँ एक्टिवेट हो गया है, इसमें 2 कैमरे आ रहे हैं। पहला है ट्रैकिंग कैमरा, दूसरा है यहाँ पे पैनारोमा कैमरा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रैकिंग कैमरे की, जैसे मैं ट्रैकिंग कैमरे पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे नीचे PTZ खुल के आ जाता है। PTZ के अंदर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी आप मेरे को बताइएगा कमेंट में कैसे काम कर रहा है। नीचे वाला ऑब्जेक्ट एकदम स्टिल्ट है, ऊपर वाला मूव कर सकता है, हम अपने अकॉर्डिंगली मूव करा सकते हैं। मोशन डिटेक्शन सेंसर आता है कि मोशन पे भी चल जाएगा आपका, ट्रैकिंग भी करेगा। जो भी बेसिक वाईफाई के फीचर्स होते हैं जो मेरी आप और बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप मुझे क्लियरिटी बताइएगा कि इसकी क्लियरिटी आप लोगों को कैसी लग रही है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। मतलब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर 2 कैमरे मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छी डील है। और अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इसके कुछ और फीचर्स की, तो सबसे पहले हमारे को इसमें पैन एंड टिल्ट मिल जाता है। दूसरा हमारे को यहाँ पे हमारे को जूम का फीचर मिल जाता है। जैसे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे जूम का फीचर मिल जाता है। अभी मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। वाओ, मतलब बहुत बेहतरीन। अगर मैं बात करता हूँ इसकी जूमिंग कैपेसिटी की, तो जूमिंग कैपेसिटी काफ़ी बेहतर है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी जूमिंग कैपेसिटी। अगर इसमें मैं डिटेल्स की बात करता हूँ तो ठीक है, डिटेल तो हम इतना रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बेटर है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ जो इसके स्टिल्ट कैमरे हैं, अगर मैं किसी कैमरे के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इस पर डबल क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला कैमरा ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे इस तरफ आ गया हूँ, इस तरफ आने के बाद अगर मैं अभी यहाँ पे फेस पे अपना क्लिक करूँगा, जो हमारा पैनारोमा कैमरा उस पर मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। जैसे मैं ऊपर क्लिक करके अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये आ गया है, और इस पर जाने के बाद मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस कैमरे ने मेरे को ट्रैक कर लिया है। मतलब दोनों ही कैमरे आपस में यहाँ कनेक्टेड हैं, दोनों ही कैमरे का कनेक्शन आपस में बना हुआ है। इसका जो टिल्ट कैमरा है, टिल्ट कैमरे को अगर लगता है कि कोई मोशन हुआ है, कोई रॉन्ग मोशन हुआ है, और उसको वो आप करना चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कैमरा जो ऊपर वाला वो वहीं पे जूम करे, वहीं पे मूव करे, तो आप वो फंक्शन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा हम लोग यहाँ पोजीशन भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप इसके अंदर हम यहाँ सेट कर सकते हैं कि हमें कैसे कैसे कैमरा मूव कराना है, वो सारे के सारे फीचर हम लोग इसके अंदर यहाँ एडअप कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं इसके कुछ और फीचर्स की बात करता हूँ, यहाँ PTZ कोरेक्शन हमें देखने को मिल जाता है, क्रूशर का फीचर हमें देखने को मिल जाता है जो कि एक PTZ का फीचर है। इसके अंदर हम अपना पैन टिल्ट फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करने के बाद हम इसको नीचे ऐड कर सकते हैं। जब भी हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा कैमरा वहाँ पे मूव कर जाएगा दोस्तों, तो हम इसका एक PTZ का यहाँ सेटिंग बना सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले जो फीचर हमें देखने को मिलता है, पहले हम लोग बात करेंगे हमारे जो ट्रैकिंग कैमरा उसके फीचर के बारे में। यहाँ सबसे पहले तो हमें क्लियरिटी चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है, हम अपनी डेफिनेशन अपने
अकॉर्डिंगली यहाँ कर सकते हैं, सुपर एचडी है, एचडी है और एचडी है। अगर मैं एचडी के अंदर इसको लेके जाता हूँ तो क्लियरिटी एचडी की नॉर्मल है, मतलब बहुत बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इसकी एचडी क्लियरिटी की, अभी आप बताइएगा ये एचडी क्लियरिटी में चल रहा है, और वहीं पे बात करता हूँ इसकी मैं सुपर एचडी क्लियरिटी की। सुपर एचडी क्लियरिटी के अंदर भी अच्छा खासा इसके अंदर हमें डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर मैं जूम करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कैमरे को, अभी मैं नीचे वाले कैमरे को जूम कर रहा हूँ जो पैनोरामा कैमरा है, उसको जब मैं जूम कर रहा हूँ तो काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर पिक्चर यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ हमारे जो सेकंड कैमरा है, जो हमारा फिक्स लेंस कैमरा है उसका क्लियरिटी थोड़ा सा बेटर है, जो हमारा मूवेबल कैमरा है उसका थोड़ा सा मुझे यहाँ कम देखने को मिल रहा है इसका क्लियरिटी। फिक्स वाले का नो डाउट काफ़ी अच्छा क्लियरिटी है, 2 मेगापिक्सल का एक्चुअल रिजल्ट ये देता है, 1080p का कंप्लीट आपको रिजल्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करता हूँ मैं इसके सेकंड ऑप्शन की जो कि है साउंड का। साउंड में आप आराम से यहाँ सुन सकते हैं, जैसे अभी ये कैमरे से मैं नियर बाय हूँ, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, नियर बाय हूँ तो आपको यहाँ पे इको सुनने को मिल रहा होगा। बाकी इसका जो क्वालिटी है काफ़ी बेटर है, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी होंगे तो आप आराम से इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे और फीचर्स के जानने की कोशिश करते हैं। तो एक आता है हमारा मोशन फंक्शनल, हम यहाँ इसको मोशन को ऑन करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ह्यूमन डिटेक्शन को हम यहाँ ऑन कर देते हैं, इसको हाई कर देते हैं। अलार्म फ्लैशिंग, वाओ, इसमें अलार्म फ्लैशिंग भी आपको देखने को मिलता है कैमरे के अंदर। हम इसके साथ साथ एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन, मतलब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में सपोज करते हैं मैं ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले कैमरे में ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया एंड इस वाले कैमरे में मैंने ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया, दोनों में मैंने अलग अलग एरिया सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे हम इसको फटाफट से यहाँ सेव कर लेते हैं एंड कंफर्म। अभी मैं स्टिल्ट पे हूँ, आप देखेंगे इधर वाले एरिया में और इधर वाले एरिया में, हम इसको फटाफट से सेव कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइटिंग, आप देखेंगे कैमरे की फ्लैश कितनी बहुत ज़्यादा यहाँ ज़बरदस्त फ्लैश यहाँ हमें देखने को मिल रही है। जैसे मैं इधर जाता हूँ, जैसे मैं इधर जाता हूँ यहाँ पे सायरन भी हमें देखने को मिल रहा है, इसका मैं सायरन फिलहाल बंद कर देता हूँ। मोशन पे देखते हैं और क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलता है। पर्सनल ट्रैकिंग हमें मिल जाता है यहाँ पे, इसके साथ साथ हमें आप देखेंगे ह्यूमन डिटेक्शन हमें देखने को मिला है, क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट गया था तो ये ह्यूमन डिटेक्शन मिला है। जैसे मैं इधर की तरफ जाऊँगा तो देखते हैं कौन से नंबर का कैमरा यहाँ डिटेक्शन मिलता है हमें। अभी मैं जो हमारा जो रोटेशन वाला कैमरा था वो मुझे यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, जो नॉर्मल कैमरा था वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फ्लैशिंग अलार्म लाइट, इसको हम यहाँ फिलहाल बंद कर देते हैं। अभी देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमें मोशन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मैं उस तरफ को जाऊंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगी। अभी आप देखिएगा ये कैमरा मुझे ट्रैक कर रहा है, मैं इस कैमरे को मैं आपको ट्रैकिंग वाला दिखाता हूँ, इसका फीचर कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। आप देखिए मैं इस कैमरे से लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, आप देखेंगे ह्यूमन ट्रैकिंग का यहाँ पे मुझे अलर्ट आ गया है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डिटेल में काम कर रहा है। अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करता हूँ, डिले टाइम की बात करता हूँ, तो काफ़ी एक्यूरेट है, मतलब कहीं हद तक हम कंपेयर कर सकते हैं एक अच्छे ब्रांड के कैमरे के साथ, इसको मैं आराम से यहाँ कंपेरिजन कर सकता हूँ। काफ़ी डिटेल में काफ़ी ईजी तरीके से यहाँ पर मूव कर रहा है, कहीं पर भी मुझे लैक नहीं देखने को मिला, सेंसर में लैक नहीं देखने को मिला, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है इस कैमरे का। हमें मतलब इतना ज़्यादा कुछ इसमें लैग मुझे नहीं देखने को मिला, काफ़ी इजी तरीके से इसका जो ट्रैकिंग और मोशन डिटेक्शन सेंसर है वो काम कर रहा है दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ इसके सायरन की, आप यहाँ सायरन भी प्ले कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्ले किया है, 10 सेकंड का सायरन आपको कैमरे के अंदर मिलता है। आप देखते ही देखेंगे कि कैमरे के सामने आपको कोई मूवमेंट है जो कि आप अनोइंग मूवमेंट है, आप एक सायरन प्ले करना चाहते हैं तो आराम से यहाँ 1 बटन पर भी कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, नाइट व्यू, ये सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं उसका एक डे विजन का क्लियरिटी देख रहे हैं। अभी मैं इसको फटाफट से फुल कलर नाइट विजन में कर देता हूँ। स्मार्ट है, हाइब्रिड लाइट है, फुल कलर है, इसको हम फटाफट से फुल कलर पे कर देते हैं और इसको यहाँ से हम लोग
ये कह रहा है अगर आप फुल कलर पे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका टर्न एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द लाइटिंग एंड एलईडी विल बी ऑटोमेटिकली टर्न ऑन व्हेन इट्स डार्क। अगर ये कम्प्लीटली मेरा डार्क रूम हो जाएगा तो अपने आप ये कलर नाइट विजन यहाँ पे देने लग जाएगा। काफ़ी अच्छा इसका कलर नाइट विजन है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ। बाकी और इसमें फीचर की ह्यूमन ट्रैकिंग है वो मैंने आपको दिखा दिया। एक्टिविटी जोन है, एक्टिविटी जोन देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। एक्टिविटी जोन अभी इसका ऑपरेशनल नहीं है। बाकी अगर मैं इसके स्टिल की बात करता हूँ, स्टिल काफ़ी अच्छा कैमरा है, डबल कैमरे का कैमरा है, आप आराम से अपने घर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ इसके जो क्लाउड की, इसके अंदर हमें क्लाउड का बैकअप देखने को मिल जाता है। आप इसके डेटा को क्लाउड पे चलाना चाहें तो आप क्लाउड पे भी चला सकते हैं, क्लाउड पे भी डाल सकते हैं। बाकी लोकल रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इसमें 128 GB का मेमोरी कार्ड डालें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक आपने देखा इसका डे विजन का क्लियरिटी, अभी आप जो थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो इसका एक नाइट विजन का क्लियरिटी देखेंगे। मैं इसका जो नाइट फीचर है वो ऑन करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। सो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं वो कलर नाइट विजन का वीडियो देख रहे हैं, अभी आप जो देख रहे हैं वो कलर आप जैसे बताइएगा डिटेल आपको कैसी लग रही है। नीचे वाला कैमरा हमारा यहाँ स्टिल्ट का कैमरा है, ऊपर वाला हमारा जो मूवेबल कैमरा है जो हमारा 360 पैन टिल्ट चलता है, ये वो वाला कैमरा है। अभी मैंने इसके अंदर कोई डिटेक्शन ऑन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल एकदम स्टिल्ट ये कैमरा है। आप मुझे ओवरऑल इसकी क्लियरिटी बताइएगा कैसी लग रही है आपको। बाकी अभी मैं इसकी लाइट अभी ऑन है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने इसी जो ऐप के फीचर है, हम यहीं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं फटाफट से इसको यहाँ पे ऑफ करके दिखाता हूँ, जो इसका नाइट विजन है आप उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ फटाफट से आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ कि आपको इसका नॉर्मल व्यू या नॉर्मल क्लियरिटी आपको नाइट में कैसी मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे लाइट ऑफ है तो आप यहाँ पे कैसे इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करता हूँ, इस टाइम आप जो देख रहे हैं वो स्मार्ट लाइट का देख रहे हैं, मैंने इसके जैसे यहाँ पे लाइट बंद कर दी है, तो इसका स्मार्ट लाइट का मैं फटाफट से यहाँ पे कर देता हूँ। ये इस टाइम आप देख रहे हैं ये लाइट्स ऑफ का वीडियो देख रहे हैं, इतना क्लियर नहीं है, बिल्कुल कम्प्लीटली डार्क है। ये कैमरा जो परफॉर्म कर रहा है कलर नाइट विजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी स्टीमलेस इसके अंदर क्लियरिटी हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी क्लियर यहाँ पे हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं। अगर मैं वहीं पे इसकी स्मार्ट हाइब्रिड लाइट की बात करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट है व्हेन द मूवमेंट इज टर्न ऑन। अभी मैं जैसे कैमरे के सामने हूँ तो ये लाइट्स अपने आप ऑन है, अगर मैं इस कैमरे से हट जाऊँगा तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली कैमरे की लाइट यहाँ पे बंद हो जाती है। फुल कलर में जाने के बाद आपकी जो लाइट्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ ऑन रहेंगी, ऑफ नहीं होंगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीनों ही फीचर फर्स्ट के अंदर जो हमारा फुल कलर है उसमें लाइट्स ऑफ नहीं होंगी, स्मार्ट के अंदर आपकी लाइट हो जाए ऑफ हो जाएंगी अगर कोई इसको मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ डिटेल्स ही हमारी कलर नाइट विजन कैमरा जो कि हमारा यहाँ पे एक आ जाता है एक OEM ब्रांड से। सो दोस्तों अभी तक आपने देखा इसका डे विजन नाइट विजन ओवरऑल इंस्टॉलेशन क्लियरिटी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और अगर आपके किसी फैमिली फ्रेंड्स को इसी तरीके की किसी प्रोडक्ट की नीड हो ज़रूरत हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा www.brandinnovation.com, आप वहां से जाके भी इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके प्राइस की, इसका जो प्राइस आपको पड़ेगा वो पड़ेगा सर 1999, मतलब 2000 रुपये का ये कैमरा है, एंड मेरे हिसाब से 2000 रुपये का कैमरा वर्थेबल है। आप इसको अपने इंडोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई चाइल्ड मॉनिटरिंग के लिए या आपके कोई एल्डर पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई आप ऐसा बजट में कैमरा देख रहे हैं जो ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो तो आप इस कैमरे को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।